हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 66th बीपीएससी पीटी में आए हुए करंट अफेयर्स, भूगोल और मिसलेनियस क्वेश्चंस। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है। आपके ऑप्शंस हैं L&T लिमिटेड, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने ये बोली जीती है। सो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट बाय द टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 971 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट प्रेजेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। आपके ऑप्शन हैं ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा या स्मृति ईरानी, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेखा शर्मा। वर्तमान समय में भी यही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था और इसकी पहली अध्यक्षा रही हैं जयंती पटनायक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया कम्स अप इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। आपके ऑप्शन हैं ICICI बैंक, SBI, HDFC या कोटक महिंद्रा बैंक। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SBI। SBI शामिल है 100 ग्लोबल बैंक्स में और वर्तमान समय में SBI के चेयरमैन की बात करें तो वह दिनेश कुमार खारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम निर्वीक इन द बजट फॉर 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विल टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार ने बजट 2021 में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है, तो ये कौन सा क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। आपके ऑप्शन हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर या एक्सपोर्ट सेक्टर, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है। निर्विक का फुल फॉर्म होता है निर्यात ऋण विकास योजना एंड दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विद व्यू टू ईज लेंडिंग ऑफ लोन्स एंड इन्हांस क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one among the following is not an objective of food management in India? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, बफर स्टॉक, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इसमें शामिल नहीं है। ऊपर के तीन शामिल हैं, इसके साथ ही इसमें शामिल है टू प्रोवाइड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज दैट। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। आपके ऑप्शंस हैं द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंस विच क्रिएट कैपिटल एसेट, द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट, द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर ऑप्शन ई।
और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती हैं। राजस्व घाटे की बात करें तो जो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर होता है उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपनी कमाई से अधिक खर्च करना। और ईयर 2022 और 23 की बात करें तो इसमें राजस्व घाटा अनुमानित है 3.8%। इसी तरह अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करें तो वो सरकार के कुल व्यय और कुल आय का जो अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा होता है, और इसमें राजस्व और गैर राजस्व दोनों ही संपत्तियां शामिल होती हैं। राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है ईयर 22 और 23 के लिए वह है 6.4%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन इंडिया टॉप्स ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019 and 2020। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। आपके ऑप्शन हैं USA, चाइना, UAE या सऊदी अरब। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए USA। वर्तमान समय में भी USA नंबर वन पे है, फिर चाइना है, फिर UAE है, रशिया अभी हाल ही में फोर्थ प्लेस पर आ गया है और सऊदी अरब फिफ्थ प्लेस पर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द भारतमाला प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं टेलीकॉम सेक्टर, रेलवे सेक्टर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या पोर्ट सेक्टर, या फिर ऑप्शन ई। और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है और ये परियोजना शुरू की गई है 2015 से। ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का भाग है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 10.63 लाख करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू मेजर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है। आपके ऑप्शन हैं NSSO, RBI, CSO या ISI। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CSO। NSSO की बात करें तो NSSO और CSO ये NSO के अंतर्गत आते हैं जो कि 2005 में एस्टैब्लिश किया गया रंगराजन समिति की सिफारिश पर, और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण। इसके साथ ही CSO की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, सॉरी जो ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है इसका मुख्यालय है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और ये एक हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1931 में। RBI की बात करें तो RBI को एस्टैब्लिश किया गया 1935 में और इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया इम्प्रूव्ड देयर रैंक फ्रॉम। आपसे पूछा जा रहा है कि जो व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है वो कितना है। आपके ऑप्शंस हैं 77 इन प्रीवियस ईयर टू 73rd पोजीशन, 130 इन प्रीवियस ईयर टू 100 पोजीशन, 100 इन प्रीवियस ईयर टू 77 पोजीशन एंड 77 इन प्रीवियस ईयर टू 67 पोजीशन। और ये उस समय के अनुसार जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 77 टू 63rd पोजीशन। हालांकि
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, पर उसने 2020 के संस्करण के बाद अपनी बैंक कर्मचारियों के नैतिक मामलों से संबंधित जो डाटा अनियमितताएं हैं उसकी जांच के बाद उसने इस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है। तो अभी ये रिपोर्ट नहीं आ रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर आप ये याद रखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का जारी करता है वर्ल्ड बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो व्हाट क्रेडिट टारगेट फॉर 2021 हैज बीन फिक्स्ड इन द यूनियन बजट इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं 10 लाख करोड़, 13.5 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ या 16.5 लाख करोड़। उस समय के अनुसार ये टारगेट रखा गया था 15 लाख करोड़ का, पर वर्तमान समय में अगर हम ईयर 22-23 की बात करें तो अब ये टारगेट बढ़ा के कर दिया गया है 18-18.5 लाख करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम इज। आपसे पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मानसून फॉर इरीगेशन, टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स फॉर क्रेडिट, प्रमोशन ऑफ फ्लोरिकल्चर इन इंडिया, टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस इन ऑन डीजल एंड कैरोसिन, एंड टू लिंक पंप सेट टू सोलर एनर्जी, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये किसानों की डीजल और केरोसिन पर जो निर्भरता है उसको समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने से संबंधित है। ये योजना शुरू की गई है 2019 से और इसका फुल फॉर्म होता है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड इंडियाज पर्सपेक्टिव इन द फिफ्थ ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 2020। आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से जो ब्रिक्स के संस्कृत मंत्रियों की पांचवी बैठक हुई है उसमें भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया है, और उस समय ये प्रतिनिधित्व किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। 2022 की बात करें तो ब्रिक्स की जो भी समिट्स हुई हैं 2022 में उसका होस्ट चाइना रहा है, और इस वर्ष 2023 में ब्रिक्स समिट्स का होस्ट साउथ अफ्रीका रहेगा। ब्रिक्स की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है 2009 में। स्टार्टिंग में इसके फाउंडिंग मेंबर चार थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ा और फिर से ये ब्रिक्स हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द 36th आसियान समिट वर्चुअली हेल्ड इन जून 2020। आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से कहाँ आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन हैं थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया या वियतनाम, या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 36th आसियान समिट जो हुआ है ये वियतनाम में आयोजित किया गया है। इसके बाद अगर हम 38 और 39 की बात करें तो ये दोनों ही समिट ब्रुनेई में हुई हैं। 40 और 41 समिट अभी हाल ही में ईयर 2022 नवंबर में कंबोडिया में आयोजित की जा चुकी है। आने वाली जो समिट 42 एंड 43 होगी ईयर 2023 में वो इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। तो आप ये याद रखेंगे कि आसियान की 2023 की समिट इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। आसियान में 10 मेंबर्स हैं और आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। इनके मेंबर्स की बात करें तो इनमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। आपसे पूछा जा रहा है
कि निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? और आपके ऑप्शन हैं जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर या हांगकांग। इस रिपोर्ट के अनुसार उस समय भी सिंगापुर प्रथम स्थान पर था, वर्तमान समय में भी सिंगापुर ही प्रथम स्थान पर है और इस रिपोर्ट की जारी करता है वर्ल्ड बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इन यूएसए ऑपरेशन मागा MAGA इज रिलेटेड टू, आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ऑपरेशन मागा था वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं कैंपेन अगेंस्ट COVID-19, डोनाल्ड ट्रंप्स री इलेक्शन कैंपेन, या जोसेफ बाइडेंस या जे बाइडेंस इलेक्शन कैंपेन, या मेक आर्मी ग्रेट अगेन कैंपेन। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अरब स्टेट हैज स्टार्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपसे पूछा जा रहा है कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है। आपके ऑप्शन हैं इराक, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट या फिर ऑप्शन ई, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला पहला अरब देश है यूएई और उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है बराक, बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। विश्व में ऐसी 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन भी हैं, उनमें यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन पीस डील विद इसराइल, आपसे पूछा जा रहा है कि इसराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था। आपके ऑप्शन हैं इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन या सूडान, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऐसा करने वाला पहला देश है इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल की बात करें तो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, जॉर्डन की कैपिटल है अमान, बहरीन की कैपिटल मनामा और सूडान की कैपिटल है खार्तूम। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इसराइल की कैपिटल क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री एज्यूम्ड द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टिल जून 2021, आपसे पूछा गया है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। आपके ऑप्शन हैं जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इंडिया को बनाया गया था। ILO की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1999 में, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो इसमें 187 मेंबर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके 11th डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान समय में गिलबर्ट एफ होंगो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन माई सहेली, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च्ड इन सितंबर 2020, इसका एम क्या है। आपके ऑप्शन हैं टू इनकरेज सेल्फ डिफेंस एजुकेशन अमंग गर्ल्स, टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन, टू एक्सप्लोर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, या टू बूस्ट अवेयरनेस अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड लेबर, या फिर ऑप्शन ई। और ऑपरेशन मेरी सहेली जो है ये संबंधित है टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट हु गेव द मंत्रा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, आपसे पूछा जा रहा है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र किसके द्वारा दिया गया। आपके ऑप्शन हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, या योग गुरु बाबा रामदेव। हालांकि वर्तमान समय में हेल्थ मिनिस्टर हो गए हैं मनसुख मांडविया। और आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मंत्र दिया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इट वॉज स्टार्टेड इन 2020 एंड इट इनकरेज द पीपल द हैबिट ऑफ वॉकिंग एंड टू मेक देम फिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजमाता विजय राजे सिंधिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड आपसे पूछा जा रहा है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जारी किया था। आपके ऑप्शन हैं 50 रुपीज़ कॉइन, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ कॉइन या 100 रुपी नोट या फिर ऑप्शन बी। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लुपो हैज़ वन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपो को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है या किसने जीता है। आपके ऑप्शन हैं मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये अरुणाचल प्रदेश की है। इसके साथ ही अगर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करें जो कि ईयर 2022 में दिया गया है तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है पुष्पा को, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड है पुष्पा को, बेस्ट फिल्म शेरशाह है, बेस्ट एक्टर रहे हैं रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं कृति सेनन और बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं केन घोष। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो अभी हाल ही में आशा पारेख को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। आपके ऑप्शन हैं एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा किया है एचडीएफसी बैंक ने। अभी हाल की बात करें तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट हब व्यापार ऐप लॉन्च किया है स्मॉल और मीडियम मर्चेंट्स के लिए। इस ऐप का नाम है स्मार्ट हब व्यापार ऐप। एक्सिस बैंक की बात करें तो अभी एक्सिस बैंक ने हाल ही में लाइम ऐप लॉन्च किया है जो कि एक तरीके का डिजिटल वॉलेट है और ये कंट्री का फर्स्ट मोबाइल ऐप है दैट ऑफर्स वॉलेट शॉपिंग पेमेंट एंड बैंकिंग सर्विसेज। इसके बाद अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया 1993 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO हैं अमिताभ चौधरी। IDBI की बात करें तो इस बैंक ने अभी हाल ही में गो मोबाइल नामक एक ऐप लॉन्च किया है और कोटक महिंद्रा ने अभी लॉन्च किया है हाल ही में कोटक भारत नामक ऐप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले COVID-19 प्रशिक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी। आपके ऑप्शन हैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु या फिर ऑप्शन ए। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सुविधा शुरू किया गया था दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैज़ बीन फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स एट विच एयरफोर्स स्टेशन। आपसे पूछा जा रहा है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। आपके ऑप्शन हैं हिंडन, सरसावा, अंबाला, अमृतसर या फिर ऑप्शन ई।
और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इसे सम्मिलित किया गया है। राफेल फाइटर जो एयरक्राफ्ट है ये फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसके द्वारा ये निर्मित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल इज, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है तांडव, त्रिनेत्रा, सक्षम या रुद्रम या फिर ऑप्शन ई, और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, और ये एयर टू सरफेस ग्राउंड अटैक एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि डेवलप किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एज द हेड ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं मिथुन मुखर्जी, नीतू डेविड, रेनू मॉर्गरेट या वी कल्पना या फिर ऑप्शन ई। आपसे अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो इसमें अध्यक्ष हैं नीतू डेविड, वर्तमान समय में भी यही है। और सदस्यों की बात करें तो इसमें चार सदस्य हैं, मीधु मुखर्जी हैं, रेनू मार्गरेट हैं, वी कल्पना है और आरती वैद्य हैं। तो ये चार सदस्य और एक इसमें अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ वन द वोमेन सिंगल्स यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020। आपसे पूछा गया है कि महिला एकल यूएस टेनिस टूर्नामेंट जो होता है उसका खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शन से नाओमी ओशाका, बियांका एंड्रेस्क्यू, सोफिया कैनिन या के प्लिस्कोवा या फिर ऑप्शन ई। और उस समय के अनुसार ये जीता था नाओमी ओशाका ने, पर वर्तमान समय अगर हम ईयर 2022 की बात करें तो इस वर्ष ये जीता है इगा श्वेतक ने, और उन्होंने हराया है ओन्स जापे और को। मेंस की बात करें तो मेंस यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है इस बार कार्लोस अल्काराज ने, और उन्होंने हराया है कैस्पर रूड को। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो ये हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है, इसको फाउंड किया गया था 1881 में, और क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ये फोर्थ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है ऑफ द ईयर। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फोर्थ होता है यूएस ओपन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एथलीट स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द लंदन मैराथन हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2020। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन हैं, और आपके ऑप्शन हैं इलियूड किपचो, सुरा किटाटा, विंसेंट किपचुम्बा या फिर सीसे लेमा या फिर ऑप्शन ई। और ईयर 2020 के अनुसार ये जीता था सुरा किटाटा ने, पर वर्तमान समय में अगर हम ईयर 2022 की बात करें जो कि अक्टूबर में ये मैराथन संपन्न हुई है, तब इसको मेंस में अमोस किप्राटो ने जीता है जो कि किन्या से हैं, और वुमेन्स में एलम जेर्फ येहुला ने जीता है जो कि इथोपिया से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन क्रिकेटर अलोंग विद एमएस धोनी अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 15 अगस्त 2020। आपसे पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। आपके ऑप्शन हैं सुरेश रैना, हरभजन सिंह, भुवनेश्वर कुमार या रोहित शर्मा या फिर ऑप्शन ई। और उस समय जिन्होंने घोषणा की थी वो थे सुरेश रैना। वर्तमान समय में अगर हम वर्ष 2022 की बात करें तो कुछ और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, उसमें है साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरिस। इसी तरह न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं रॉस टेलर, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और क्रिस मॉरिस जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं महेश भट्ट, अक्षय कुमार, अनुपम खेरिया, परेश रावल या फिर ऑप्शन ई। उस समय नियुक्त किया गया था परेश रावल को और वर्तमान समय में भी यही अध्यक्ष हैं। डायरेक्टर की बात करें तो वर्तमान समय में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हैं रमेश चंद्र गौड़। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1959 में बाय संगीत नाटक एकेडमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि DRDO के प्रमुख कौन हैं। आपके ऑप्शन हैं सुरजीत सिंह देशवाल, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, अरविंद सक्सेना या चरणजीत सिंह अत्रा या फिर ऑप्शन ई। जब ये क्वेश्चन पूछा गया है उस समय प्रमुख थे जी सतीश रेड्डी, पर वर्तमान समय में ये 2022 की बात करें तो डॉक्टर समीर कामत DRDO के प्रमुख हैं। DRDO की स्थापना हुई है 1959 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर विच डिसिप्लिन डॉक्टर बुशरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। आपसे पूछा जा रहा है किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। आपके ऑप्शन हैं केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस या मैथमेटिकल साइंसेस या फिर ऑप्शन ई। और ये उस समय दिया गया था बुशरा अतीक और रितेश अग्रवाल को चिकित्सा विज्ञान के लिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 7 विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, जिसमें रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान, गणितीय विज्ञान, इसके साथ ही जैविक विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान और पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान के लिए दिया जाता है। अगर हम वर्ष 2022 की बात करें तो ये पुरस्कार जैविक विज्ञान में अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है, रासायनिक विज्ञान में कनिष्क विश्वास और टी गोविंद राजू को दिया गया है, पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान में ये अवार्ड दिया गया है विनोय कुमार शैकिया को, इंजीनियरिंग विज्ञान में देवदीप मुखोपाध्याय को और गणितीय विज्ञान में डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को। इसके साथ ही चिकित्सीय विज्ञान का ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर जीमन पन्नियामक्कल को और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को, भौतिक विज्ञान का ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर कनक शाह को। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये अवार्ड 7 विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2020। आपसे पूछा जा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन हैं यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रॉबर्ट वी विल्सन या पॉल आर मिलग्राम या फिर ऑप्शन ई। और उस समय के अनुसार देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। पर वर्तमान समय में अगर ईयर 2022 की बात करें तो नोबेल पीस प्राइज 3 दिए गए हैं। एक तो एलएस बियालिटस्की को दिया गया है जो कि बेलारूस से हैं, मेमोरियल एक संस्था है रशिया की उसे दिया गया है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये भी एक संस्था है यूक्रेन की इसको दिया गया है। इसके साथ ही मेडिसिन की बात करें तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया है स्वांते पावो को, केमिस्ट्री में ये अवार्ड दिया गया है 3 लोगों को, कैरोलिन को, मॉर्टिन को और के बेरी को। लिटरेचर नोबेल प्राइज लिटरेचर के विनर हैं एनी अर्नॉक्स। फिजिक्स में ये अवार्ड 3 व्यक्तियों को दिया गया है जिसमें है एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटन जेलिंगर को। इसके साथ ही
इकोनॉमिक्स में ये अवार्ड गया है तीन व्यक्तियों को, जिसमें से बेन एस बर्नैक हैं, डगलस डायमंड हैं और फिलिप एच हैं। ये तीनों ही यूएसए से संबंधित हैं। तो नोबेल पीस प्राइज 2022 का आप अच्छे से देख लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ही ज़्यादा संभव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन फिल्म एक्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द पीपल ऑफ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020? आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के लिए सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में चुना है। आपके ऑप्शंस हैं आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, अजय देवगन या सनी देओल। और उस समय इस सूची में शामिल रहे थे आयुष्मान खुराना, पर वर्तमान समय की बात करें वर्तमान समय में ईयर 2022 की बात करें तो तीन लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें है करुणा नंदी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, गौतम अडानी जो कि बिजनेसमैन हैं और खुर्रम परवेज जो कि कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इन तीन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी इंडियन बीचेज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली? आपसे पूछा गया था कि कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 6, 7, 8, 9 या ऑप्शन डी। और उस समय ये किया गया था 8 इंडियन बीचेस को। वर्तमान की बात करें तो अभी हाल ही में 2 बीच हैं लक्षद्वीप के, मिनिकॉय थुंडी द्वीप और कदमत बीच, इन्हें अवार्ड किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से बाई डेनिस फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और अब वर्तमान समय में भारत में 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामविलास पासवान स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी? आपसे पूछा गया है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन हैं जनता पार्टी, भारतीय लोकदल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या फिर ऑप्शन ए। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने अपना करियर शुरू किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशूड अ प्रेस नोट फॉर द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार 2020? इसमें पूछा गया था कि निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। आपके ऑप्शन हैं 23rd September 2020, 24th September 2020, 25th September 2020 या 26th September 2020 या फिर ऑप्शन ई। और ये प्रेस नोट जारी किया था निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर 2020 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट घर तक फाइबर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 21 सितंबर 2020 थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस? आपसे पूछा जा रहा है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटका। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बिहार से ये योजना प्रारंभ की गई है। और घर तक फाइबर योजना ये अंडर भारत नेट स्कीम के अंतर्गत शामिल है। इसका एम है टू कनेक्ट ऑल द विलेजेस ऑफ बिहार विद द हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के पॉलिटिशियन हैं लेट रघुवंश प्रसाद सिंह वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड टू विच लोकसभा? आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? आपके ऑप्शन हैं
टेंथ लोकसभा, इलेवेंथ लोकसभा, ट्वेल्थ लोकसभा या थर्टींथ लोकसभा? और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेवेंथ लोकसभा, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1996 से 98 तक के लिए। टेंथ लोकसभा की बात करें तो उसका टाइम पीरियड रहा है 1991 से 96, ट्वेल्थ का 1998 से 99, फिर थर्टींथ का था 1999 से 2004, फोर्टींथ का था 2004 से 2009, फिफ्टींथ लोकसभा 2009 से 2014, सिक्सटींथ लोकसभा का टाइम पीरियड रहा है 2014 से 2019, और वर्तमान समय में सेवनटींथ लोकसभा कार्यरत है जिसका टाइम पीरियड 2019 से 2024 तक है। वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, और पहले लोकसभा स्पीकर की बात करें तो वो रहे हैं जे वी मावलंकर, और पहली बार लोकसभा गठित की गई थी 1952 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एंड इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम? आपसे पूछा जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का कौन हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं भारत, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन ई, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन इसमें शामिल नहीं है। ये ग्रुप है चार देशों का जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल है। क्वाड जो समिट ईयर 2022 की हुई है वो जापान के टोक्यो में आयोजित की गई है, और इस वर्ष 2023 में ये समिट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपसे पूछा जा रहा है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजरी बंजारी, फर्टिलाइजर भौराही या वैगन एंड इंजीनियरिंग भागलपुर, और इसमें जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। वैगन एंड इंजीनियरिंग जो है ये पटना में है और लोकोमोटिव मधेपुरा में है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर भौराही में सही है, सीमेंट बंजारी में सही है और ऑयल रिफाइनरी बरौनी में सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इज? आपसे पूछा जा रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं होकाइडो, होन्सू, सिकोकु या क्यूसू या फिर ऑप्शन ई, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है होन्सू, सेकंड प्लेस पर होकाइडो आता है, थर्ड प्लेस पर क्यूसू और सबसे छोटा है सिकोकु। जो जापान की कैपिटल टोक्यो है वो होन्सू द्वीप पर ही स्थित है। इसके अलावा अगर हम इनका क्रम नॉर्थ टू साउथ देखें तो सबसे नॉर्थ में है होकाइडो, फिर होन्सू, फिर सिकोकु और सबसे साउथ में क्यूसू आइलैंड आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीनलैंड निम्न में से किसका भाग है। आपके ऑप्शंस हैं डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा या यूके या फिर ऑप्शन ए, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हैज लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन एज ऑन दिसंबर 2019? आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2018 तक के लिए विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, और इसमें आपके ऑप्शन हैं यूएई, मलेशिया, यूके या यूएसए या फिर ऑप्शन ई, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान के हिसाब से भी ऑप्शन ए। यूएई में सर्वाधिक है 3.5 मिलियन, यूएसए में है 2.7 मिलियन, इसके साथ ही सऊदी अरब में 2.5 मिलियन है, यूएसए में है 2.7 मिलियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Among the following countries, which country has recorded the highest annual gold output in year 2019? आपसे पूछा गया है कि निम्न देशों में से किस देश ने ईयर 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है. आपके ऑप्शन है रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या यूएसए, या फिर ऑप्शन ए. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में हुआ है. वर्तमान समय में भी चाइना नंबर वन पे है. नंबर टू पे है ऑस्ट्रेलिया, थ्री पर रशिया और फोर्थ पर है यूएसए. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अमंग द फॉलोइंग कंटिनेंट विच वन हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज. आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी आपके ऑप्शन हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका, या फिर ऑप्शन ई. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं. अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, एशिया में 48 कंट्रीज, यूरोप में 44 कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका में 23 सॉवरेन स्टेट्स हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस इज. आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है. आपके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या फिर ऑप्शन ई. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ऐसा है मिजोरम में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफ़ी ग्रोइंग एरियाज इज नॉट इन कर्नाटका. आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र जो है इनमें से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है. आपके ऑप्शन हैं चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी या पुलनेज, या फिर ऑप्शन ई. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पुलनेज. पुलनेज तमिलनाडु में स्थित एक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है. इसके अलावा चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी ये तीनों ही कर्नाटका में स्थित है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. आपसे पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि में भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है. आपके ऑप्शन हैं लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर ऑप्शन ई. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है लेह. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द स्टेट ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है. आपके ऑप्शन हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ये स्टेट है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो उनकी संख्या 50 है, मध्य प्रदेश में 24, तमिलनाडु में 15 और कर्नाटका में 30 है. भारत की बात करें तो भारत में 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, विच इज 3.73% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज. आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न हिमालयन पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है. आपके ऑप्शन हैं जास्कर, वेस्टर्न पीर पंजाल, लद्दाख या ईस्टर्न पीर पंजाल. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ईस्टर्न पीर पंजाल को वो क्रॉस करता है. अटल टनल के लेंथ की बात करें तो उसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर और ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इंडियाज 13th मेजर पोर्ट इज गोइंग टू बी सेटअप इन विच स्टेट. आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है. आपके ऑप्शन हैं केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन
ई, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है और इस पोर्ट का नाम है बधावन पोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। आपके ऑप्शन हैं तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र, राजस्थान या ऑप्शन ई। उस समय क्वेश्चन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर था कर्नाटका, पर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी राजस्थान नंबर वन पर है, नंबर दो पर कर्नाटका है, थर्ड प्लेस पर गुजरात और फोर्थ प्लेस पर तमिलनाडु है। तो ये रहे 66th BPSC PT में आए हुए करंट के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के और मिसलेनियस क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो सकते हैं। करंट के क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि उसका नेचर क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से और किस तरीके के आते हैं। आप बहुत सारी स्कीम्स या कुछ नई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसकी डेट भी याद करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर डेट्स भी कई बार पूछी गई हैं। तो ये रहा 66th BPSC PT का सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।